दोस्तों आज हम बनाएंगे लाजवाब टेस्टी सोयाबीन बिरयानी एकदम खिले खिले चावलों के साथ। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे थोड़ा नॉर्मली हमने काट लिया है। उसे पेस्ट बनाने के लिए हम मिक्सर जार में डाल देंगे। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें, 8 से 10 मैंने इसमें लहसुन ली है और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। इन सभी को मिला के हम अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना के साइड में तैयार कर लेंगे। अब इसके अलावा हमें चाहिए सूखे मसाले, तो उसमें मैंने 7 से 8 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच काली मिर्ची ली है। इसके अलावा गरम मसाले लिए हैं, खड़े गरम मसाले हैं, 2 छोटी टुकड़ी दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 5 से 6 लविंग, 2 छोटी जावित्री, छोटा सा टुकड़ा जायफल का और 7 से 8 काजू लिए हैं मैंने। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक छल्लेदार काट के उसे भी अलग रख लिया है। अब पैन में हम इन ड्राई मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो इन सारे मसालों को एक साथ हम डाल देते हैं। दोस्तों धीमी आंच पे ही हमें रोस्ट करना, एकदम तेज आंच पे रोस्ट करने से उसके जो अरोमा है वो प्रॉपर नहीं आएगा। बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहे, हल्के हल्के से इसका रंग चेंज होने लगेगा और बहुत ही बढ़िया इसका जो अरोमा आएगा तब तक हम इसे चालू रखेंगे। अब ये तैयार हो चुका है, इसके साथ ही हम इसमें अब काजू ऐड करेंगे। एक बार मसाले फ्राई हो जाए उसके बाद ही आप काजू ऐड करें। बस 2 मिनट चलाएंगे और हम इसे निकाल लेंगे। इसका एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे और इस पाउडर को हम अलग से एक बर्तन में निकाल के साइड में रख देंगे। 2 कप मैंने बासमती राइस है भिगो के रखा है, 15 से 20 मिनट के लिए इसे अलग भिगो के रख देते हैं। अब पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। सबसे पहले हम इसमें ब्राउन जो है ऑनियन तैयार करेंगे, जो हमने स्लाइसेस बना के रखी हुए उन प्याज को अच्छे से फ्राई करके ब्राउन कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा मीडियम से लो आंच पे इसको फ्राई करते रहेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये ट्रांसलूसेंट हो जाए आप आंच को तेज कर लें और हल्का सा इसे ब्राउन होने दें। देखिए ये ब्राउन प्याज तैयार हो गए, इन्हें हम निकाल के अलग कर लेते हैं। अब इसी तेल में हमने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे और हमने जो अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था उसे हम इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। ऑयल छोड़े तब तक हमें इसे भूनना है, बढ़िया से हमारा प्याज भून जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। मीडियम टू लो आंच पे ही हम इसे करेंगे। उसके बाद जो हमने पाउडर बना के रखे मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। धीमी आंच पे ही इन पाउडर को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, बढ़िया से भूनना है, इतनी बढ़िया इसके अरोमा आए तब तक इसे हमें भूनते रहना है। थोड़ा सा मसाला जले ना इसलिए चाहे तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, पर जब तक ये मसाला ऑयल ना छोड़े हमें इसके भूनते रहना है। भूनना ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जब तक ये अच्छे से भुनेगा नहीं जो मसाले हैं उनका अरोमा प्रॉपर नहीं आएगा। मसाले भुन चुके हैं, अब मैंने इसमें 1/2 कटोरी दही डाला है, अच्छे से फेंट के दही डाला है। और दोस्तों ध्यान रखें दही ज़्यादा खट्टा ना हो। अब इसे आप चलाते रहें, जैसे हमारा दही भी अच्छे से पक जाएगा तब ये ऑयल छोड़ने लगेगा, तब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। बाकी सारे मसाले ऑलरेडी हमारे डले हुए हैं तो सिर्फ हल्दी और नमक हमें ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इसमें पानी डालेंगे तो वार्म वाटर डाल रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखें, सबसे पहले हल्का सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी को बढ़िया कर लें और ये ऑयल छोड़े तब तक इसे फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें आलू डाले हैं, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। उसके साथ ही सोयाबीन जो हमने गर्म पानी में उबाल के ले लिए अच्छे से निचो दिया था उसे ऐड कर दिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर भी काट के ऐड कर दिया है। अब इन सभी को इस मसाले में हम 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेंगे। सोयाबीन और आलू हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसे ज़रूरत के हिसाब से पानी, यानी हमने 2 कटोरी चावल लिए हैं तो हम इसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर दें। 1 कटोरी राइस के लिए 1.5 कटोरी पानी हम ले रहे हैं। अब इसमें उबाल आने देंगे। देखिए दोस्तों इसमें बढ़िया सा उबाल आ गया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करें। अब जो हमारे राइस है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दें इसे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई पुदीना। धनिया और पुदीना से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया और टेस्टी आता है, तो ये दोनों चीज़ें हम डाल देते हैं।
साथ ही साथ जो हमने जो प्याज है वो ब्राउन करके रखे थे वो भी हम ऐड कर देंगे। 2 चम्मच नींबू का रस भी ऐड करेंगे। अच्छे से आप एक बार मिक्स कर दें इसे। अब हम इसे ढक के पकने देंगे। तो पहले 10 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा इसमें पानी बचा है। इस समय हमें क्या करना है, इसे दोबारा ढक लेना है और उसके बाद तवे के ऊपर रखना है। इस तरह से आप एक पैन या तवा रख लीजिए, उसके ऊपर आप बर्तन रखिए, क्योंकि हल्का पानी है। अब अगर अपन गैस पर रखेंगे तो नीचे से पकड़ सकता है, तवे पर रखेगा तो इसमें स्टीम भी आ जाएगी और चावल अच्छे से हमारे खिले खिले पकेंगे और एकदम परफेक्ट हमारी बिरयानी बन के तैयार होगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले चावल एकदम परफेक्ट बने हैं। तो आप इस तरह से ये बिरयानी बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनती है, सिंपल स्टेप्स के साथ बनी है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें।